तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करा रहा हूँ। राइट द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x है मेरा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह मुझे 0 रखना है, तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। क्या आ गया? 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 मेरा आ गया 0 माइनस 0 प्लस 3। फिर निकालना है माइनस 1 पर, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो मैंने रखा 5 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया माइनस 5 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 और 3 7, 7 में से 5 गए, 2 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, ये है फाइंड P0 P1 पॉलिनोमियल 1 एंड P2। फाइंड PY इज इक्वल टू P y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। फर्स्ट में करा रहा हूँ, सेकंड आप करना। जैसे मुझे PY दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब मुझे निकालना है P0। अगर मुझे P0 निकालना है तो y की जगह पर 0 रखूंगा, आंसर आया मेरा 1। अब मुझे निकालना है P1, तो y की जगह पर मैं 1 रखूंगा। बना गया। अब मुझे निकालना है P2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। P2 हो गया मेरा 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 5 माइनस 2 3। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस। जीरोस वो होते हैं जो x की वो वैल्यू होती है जिस पर ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो जीरो आ जाए। जैसे x इज इक्वल टू मुझे यहाँ दे रखा है 1/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पे मुझे माइनस 1/3 रख के दिखाना पड़ेगा, आंसर मेरा जीरो आना चाहिए। तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, तो p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 से 3 गया माइनस 1 प्लस 1 जीरो, यानी कि ये इसका जीरो है। क्या हो गया? वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू माइनस 1 है और 2 है। पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 निकालूंगा, यानी कि इसके दो जीरोस हैं। माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो गया 0 इंटू माइनस 3। आंसर कितना आ गया? 0। अब मैंने रखा 2 रख रहा हूं, तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, तो ये भी कितना हो गया? 3 इंटू 0। आंसर क्या आ गया? यानी कि ये भी इसका जीरोस है। ठीक है, आगे देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो P0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर क्या आ गया? 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यानी कि ये भी इसका जीरोस है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल पर x 2x प्लस 1 x इज इक्वल टू 1/2 पर मुझे चेक करना है, माइनस 1/2 पर। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 कितना हो गया? 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 हो गया माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस। अगर जीरोस फाइंड करते हैं तो जो पॉलिनोमियल ऑफ x है उसको इक्वल टू 0 रख दो। तो मैंने क्या किया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, जो आपकी लास्ट आपने 8th क्लास में किया है। तो x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5, ये इसका जीरोस हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए, सिमिलरली पॉलिनोमियल x क्या रखना है? 0 के इक्वल रखना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 5। x इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये इसके क्या हो गए? जीरो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ x 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू रखा 0, ये 2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3, ये भी क्या है इसका? जीरो।
पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स है तो थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, थ्री का इसमें डिवाइड दिया तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूं। देखिए देखिए आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन अपॉन टू। अब रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो यहां से हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं इसको। तो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे। जो आपको सॉल्व करने पर x की वैल्यू पर जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर क्या आता है जीरो, तो ये फैक्टर होगा इसका। क्या होगा, फैक्टर, यानी कि ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये फैक्टर थ्योरम है। अब x इज इक्वल टू वन बाई टू में रख रहा हूं, p वन बाई टू में क्या है, x, x ही लिख दो अभी, x क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, वन बाई टू निकाला, वन बाई टू का होल क्यू प्लस थ्री इंटू वन बाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू का होल क्यू हो गया वन बाई एट प्लस थ्री अपॉइंट फोर प्लस थ्री अपॉइंट टू प्लस वन। एलसीएम लिया तो एट आ गया, वन प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एट, ट्वेंटी, ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि जो आंसर आएगा रिमाइंडर होगा। सेकंड पार्ट है x, डिवाइड कैसे देना है x से, तो x से जोड़ क्या मानना है जीरो, तो अगर जीरो है तो ये जीरो ही इसका जीरो हो गया। तो आपको वैल्यू निकालनी है p जीरो पर, जीरो का क्यू प्लस थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन, तो आंसर आ गया वन। ठीक है, थर्ड पे देखिए, थर्ड है फाइव प्लस टू एक्स, फाइव प्लस टू एक्स का डिवाइड देना है, इक्वल टू में जीरो रखा तो टू एक्स इजिकल टू फाइव हो गया, तो एक्स इजिकल टू फाइव बाई टू। चलिए वैल्यू रखिए, यानी कि जो आंसर आएगा आपका रिमाइंडर होगा, फाइव अपॉन टू का होल क्यू प्लस थ्री फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फाइव अपॉन टू प्लस वन, ये हो गया 125 अपॉन एट, ये हो गया 55 या 25 थ्री या 75 अपॉन फोर प्लस 15 अपॉन टू प्लस वन। एलसीएम कितना आ गया, एट। एलसीएम एट आने के बाद, सॉरी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ये माइनस का आएगा क्योंकि यहां से इसको भेजेंगे तो ये माइनस का 5 बाई टू की होगा और ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो ये माइनस का आएगा और ये आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, एलसीएम लिया मैंने 8, तो ये मैंने लिया माइनस के 125 मेरा सेम रहेगा प्लस 75 इंटू टू माइनस 15 इंटू फोर प्लस 1 इंटू एट, क्योंकि ये माइनस का इसलिए आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि इधर 5 प्लस 2x अगर इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो आपका माइनस 5 आएगा। ठीक है, एट एलसीएम आया, माइनस के 125 प्लस के 150 माइनस के 60 प्लस 8, यानी कि ये हो गया 158 माइनस 185 अपॉन 8, 5 में से 8 गए 7 बचे 6 में, और 7 में से 27 माइनस के 27 अपॉन 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यू प्लस 7x। क्या बताया था, रिमाइंडर जीरो आएगा। सबसे पहले 7 प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो रखें, यहां से जीरो से निकाला तो x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3। अभी वैल्यू इसमें रख लो, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका फैक्टर है वरना नहीं है। ये हो गया 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का होल क्यू प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 3 43 अपॉन 27 माइनस के 3 43 अपॉन 27 माइनस 49 अपॉन 3। यहां से 9 टाइम कैंसिल हो गया
तो माइनस के 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3, 9 एलसीएम आया, माइनस के 343, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 157, अगर मैंने इसको प्लस किया तो माइनस के 490 अपॉन 9 आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू।